गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दूसरे लेक्चर में पढ़ते थे हमारा जो दूसरा चैप्टर चल रहा था इसमें हम पढ़ते थे जो ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र है अर्थात जो ग्रामीण जीवन है और जो शहरी जीवन है उसमें किस प्रकार से अंतर पाया जाता है। तो उसके जो कुछ आधार तत्व थे वो हमने पढ़ लिए थे। आज हम आगे शुरू कर रहे हैं सबसे पहला है गतिशीलता। अर्थात हम गतिशीलता की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में और जो शहरी क्षेत्रों में जो गतिशीलता है उसमें अंतर पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो गतिशीलता है अर्थात उनका जो कार्य है वो लगभग एक तरीके से बात करें तो कृषि पर निर्भर रहते हैं अर्थात इसके अलावा और जो दूसरे कार्य हैं उनमें गतिशील नहीं होते हैं। जबकि हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्र में वो आर्थिक क्रियाकलाप आर्थिक गतिविधियों में भाग लेते हैं आर्थिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। इसके अलावा सामाजिक राजनीतिक ठीक है आदि स्थानों पर भाग लेते हैं आदि क्षेत्रों में भाग लेते हैं। आर्थिक हो गया राजनीतिक हो गया सामाजिक हो गया। जबकि हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वे इनमें क्या है कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं अर्थात जो सामाजिक गतिविधियां जो राजनीतिक गतिविधियां हैं इनमें वो कम क्रियाशील रहते हैं कम क्रियाशील रहते हैं अर्थात उनको उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो एक तरीके से अपने जीवन का गुजारा चलाना होता है। इसके अलावा जो राजनीतिक इकाई होती है वहीं वो बढ़ चढ़ कर भाग नहीं लेते हैं। जबकि शहरी क्षेत्रों की बात करें तो राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। इसके बाद में बात करते हैं दूसरा सहजता एवं सरलता। जो ग्रामीण जीवन होता है इस ग्रामीण जीवन में सहजता और सरलता पाई जाती है। जो ग्रामीण जीवन होता है इसमें सहजता और सरलता पाई जाती है। जबकि जो शहरी जीवन होता है अपेक्षाकृत में सहजता और सरलता नहीं पाई जाती क्योंकि इनके जो संबंध होते हैं अगर हम सामाजिक संबंधों को लें सामाजिक संबंधों को अगर इसमें परिभाषित करें तो जो ग्रामीण लोग होते हैं ग्रामीण लोगों में सहजता और समरसता पाई जाती है। एक दूसरे का वो मृत्यु पर साथ देते हैं भाईचारा पाया जाता है बंधुत्व पाया जाता है एकता पाई जाती है। जबकि हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो अपेक्षाकृत यहाँ पर सहजता कम मिलती है सरलता कम मिलती है लोगों में जो एक दूसरे के प्रति जो अपनत्व होता है उसकी भावना कम पाई जाती है भाईचारा कम पाया जाएगा। तो इस तरीके से जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र है इन दोनों में क्या है एक तरीके से ये मुख्य अंतर पाया जाता है अर्थात शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो सहजता और सरलता में अंतर पाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अपने सामाजिक समस्याओं की। तो जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामाजिक समस्याएं हैं वो कम पाई जाती है ठीक है। उनमें जो समस्याएं पाई जाती है वो एक तरीके से जैसे हम कुछ बात करें जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह पाए जाते हैं बाल विवाह पाए जाते हैं। इसके अलावा प्राचीन समय में सती प्रथा ये भी विद्यमान थी। तो यहाँ पर कुछ मात्रा में एक तरीके से हम कहें तो कह सकते हैं कि सामाजिक समस्याएं होती है। लेकिन जो ग्राम जो शहरी क्षेत्र होते हैं शहरी
परंपरागत तरीके से मनोरंजन के साधनों का उपयोग करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र की बात करें तो आजकल आधुनिक समय में अनेक प्रकार के मनोरंजन के नवीन साधन आ गए हैं, जिनके माध्यम से लोग मनोरंजन के साधनों का उपयोग करते हुए अपना जीवन चलाते हैं, कई जगह घूमने जाते हैं, कई तरीके से अपने आप को पर्यावरण में डालते हुए वो मनोरंजन के साधनों का उपयोग करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में ये सब हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा सहयोग और प्रतिस्पर्धा की बात करें, जोड़ने लगे, जिसके माध्यम